कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी नवरात्र के छठवें दिन दतिया के सिद्ध पीताम्बरा पीठ पहुंचे, जहां उन्होंने शत्रुनाश की अस्थिधात्री देवी पीताम्बरा माई के दर्शन कर विशेष पूजा अर्चना की। पीताम्बरा पीठ पर पूजा अर्चना के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी दतिया स्टेडियम के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने बीजेपी के साथ साथ विजय माल्या और नीरव मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी हमेशा उद्योगपतियों को भाई लगाकर बात करते हैं। उन्होंने सवाल किया कि कभी आपने किसी गरीब या किसान को भाई बोलते हुए सुना है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आने के बाद यदि किसानों और कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी गई तो वह चाहे सीएम हो या मंत्री हो या विधायक हो, उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। मेहुल भाई, नीरव भाई, अनिल भाई, ललित भाई, मगर किसान को कभी भाई नहीं कहेंगे, मजदूर को कभी भाई नहीं कहेंगे। कभी आपने सुना है नरेंद्र मोदी जी को किसान से गले होते हुए उनसे कहते हुए कि भाई बोलो क्या मुश्किल है तुम्हारे पास, तुम्हारे सामने? कभी सुना है कभी गरीब को भाई बोलते हुए नरेंद्र मोदी जी ने को सुना है आपने? कभी नहीं सुनेंगे, क्योंकि अगर वो सूट बूट नहीं पहना है तो वो भाई नहीं हो सकता। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, आप हमारी रीढ़ की हड्डी हो, लाठी खाते हो, आपको दबाया जाता है, कुचला जाता है। और मैं स्टेज से कह रहा हूं, मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी तो मध्य प्रदेश के युवाओं की, किसानों की, जनता की सरकार होगी, मगर दूसरे नंबर पे वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की सरकार होगी और उस सरकार के हर ऑफिस के दरवाजे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए खुले मिलेंगे। और अगर उस सरकार में चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो एमपी हो, अगर उसके दरवाजे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए नहीं खुले मिलेंगे तो उस व्यक्ति को बदला जाएगा, हटाया जाएगा। आप शेर हो, अब जाकर हर पोलिंग बूथ पे लड़ो और मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार लाओ। इस अवसर पर कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष और छिंदवाड़ा सांसद कमलनाथ, चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया, राष्ट्रीय सचिव संजय कपूर, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, मीडिया विभाग के अध्यक्ष शोभा ओझा सहित अन्य स्थानीय नेता उपस्थित थे। दतिया से ईएमएस टीवी के लिए दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट।